अपना ये रॉयल घर है, घर में है कितना अपनापन। अपना ये रॉयल घर है, घर में है कितना अपनापन। पर उल्टा पुल्टा हो जाता है जब आती है पड़ोसन। पड़ोसन 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 पड़ोसन। बोल कहाँ से आया है भाई साला? साबू सिटी कॉलेज के पीछे से। इसे क्यों पकड़ा है? मेरी मर्जी। इसकी बदन से निकलने का क्या लोगे? पहले वादा करो आप ना नहीं बोलोगी तो बताऊं। अर्चना वादा मत करना, तुमने जिंदगी में कभी मुझसे वादा नहीं किया, अब भूत से मत करना। करो करो भाभी, पता तो चले ये क्या चाहते हैं। अरे कल अगर उसने ऐसे बोला कि मेरी किसी हीरोइन से शादी करा दो तो? भूत जरूर हूँ लेकिन तुम जैसा बेवकूफ नहीं। बोलो वादा देती हो? हाँ करती हूँ, बोलो। आपके कान में कहूंगा। भाभी संभालना, कहिए आपका कान काट ना ले। ए चुप कर। हाँ बोलो। अरे क्या हुआ भाभी, ये मुर्गी के गले में आटे की गोली अटक गई है, ऐसे मुंह खुला क्यों रखा है? भाभी कहीं भूत ने आपका हाथ तो नहीं मांग लिया? मैं इतना पागल नहीं हूँ कि इनका हाथ मांगू, क्योंकि इनका हाथ नहीं हथौड़ा है। और तूने अपना डिमांड वापस नहीं लिया तो ये हथौड़ा तेरे सिर पर गिरेगा। अरे पहले ये तो बताओ इसने डिमांड क्या की है? कुछ नहीं, इसे तुम्हारा शरीर अच्छा लगा, उसमें अगर घुसने मिले तो ये इसे छोड़ देगा। क्या? अरे भाई तू मेरे शरीर में क्यों घुसना चाहता है? मेरा शरीर कोई ट्रांजिट कैंप है जो बेघरों को संभालेगा? वो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो घुसूंगा। अरे यार तू जाए ठीक है, मांगता है तो मैं तेरे को गोविंदा की सब पिक्चर्स की कैसेट देता हूँ। वो तो मेरे पास है। देख भाई तू जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन इनके बदन में घुसने की जिद मत करना, बोल देती हूँ। बहन जी ये इतनी मुश्किल से हमारे आदमी की बॉडी छोड़ने के लिए तैयार हुआ है, प्लीज आप मान जाइए ना। बोल दिया, मान जाइए ना। हमने क्या यहाँ अनाथाश्रम खोल रखा है? कोई भी यहाँ आकर लावारिस भूत छोड़ जाए तो क्या, हम उसकी फीस भी दे रहे हैं ना। आप एक काम कीजिए ना, आप अपने नौकर के बदन में इसे ले लीजिए, फिर फुर्सत से निकालते रहना। मैं इसका नौकर नहीं इसका पति हूँ। लगते तो नहीं हो। अच्छा मेरे सर्टिफिकेट लाकर दिखाऊं? अरे रहने दो ना यार, मेरे को तो बस आपके बदन में रहना है। देखो ये मैं आया। नाचने को जी करता है। मतलब भैया के बदन में भाई कला का भूत घुस गया। मैं कहाँ हूँ? जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। मैं यहाँ कैसे आया? पानी के नल से बहकर। भैया भैया आप ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अरे मैंने ये लाल टी शर्ट क्यों पहन रखी है? मैं कोई कुली हूँ। मतलब आपको ट्रेन की विसल सुनकर दौड़ने का मन नहीं कर रहा है? नहीं तो? मतलब आप सचमुच ठीक हो गए? माँ अर्चना देवी की जय हो, माँ अर्चना देवी की जय हो। माँ माँ आप मांगिए, आप जो मांगेंगे वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे आपने इतना बड़ा भूत जो दे दिया, अब ये क्या मांगेगी? नहीं नहीं ये माताजी महान है, महान है। अरे दुनिया भर के ओझा बाबा पीर फकीर जो भूत को नहीं भगा पाए, ये माँ ने एक मिनट में उसको भगा दिया। माँ माँ ये चीज मैं अखबार में छपाऊंगा, फिर हिंदुस्तान के सारे कस्टमर आपके पास भूत भगाने के लिए आएंगे। चलो भैया भैया चलो। इसका मतलब हमारे घर को भूत बंगला बनने में अब देर नहीं है। चले 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 बाजू 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 बाजू। अरे क्या हो रहा है? अरे बोले तो राजधानी के आने का टाइम हो गया है। आई रे आई रे। भाभी ये क्या हो गया? और चलो झाड़ फूक की दुकान, देख लिया भोले लोगों को लूटने का नतीजा। चलो चलो आ गई राजधानी। अरे लेकिन मुझे क्या पता था इस तरह उड़ती बला गला पकड़ लेगी। अब हम लोग विदाउट रिजर्वेशन आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग कुली वाले हो गए। भैया भैया ये क्या हाल बना रखा है?
कुछ लेकर आए हो क्या? नहीं बिजू, पता नहीं मेरा बदन इतना दर्द कर रहा है जैसे किसी ने मुझे घोड़ा गाड़ी में घोड़े की जगह बांध कर उसमें गुड्डी मारुति को बिठा कर 10-12 किलोमीटर तक उस गाड़ी को दौड़ाया हुआ। लेकिन भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने आपको कोलू में बैल की जगह जोड़ दिया हो। भाई साहब आप तो राजधानी अटेंड करने गए थे ना? राजधानी? आप ये लाल कपड़े पहनकर हमाली करने गए थे? कितने कमाए? अरे क्या बकवास कर रही है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लाल शर्ट मेरे बदन पर कैसे आ गई। पता है लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास एक बैल ने मुझे इस लाल शर्ट में देखा और मेरे पीछे वो 3-4 किलोमीटर तक भागा। बैल आपका था? भाभी जी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बैल को भाई बनाया और हमें बताया भी नहीं। जानवर को भी भाई बनाता है क्या कोई? चुप्पेट, मैंने सुना था लोग मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाते हैं, तो भाभी जी बैल को भाई क्यों नहीं बना सकती? अरे चुप रहना, तू क्यों ऐसे खड़ी है, कुछ बोलती क्यों नहीं? मान व्रत धारण किया है क्या? खुशी के मारे मेरी बोलती बंद हो चुकी है। है ना, उर्दू मीडियम में पढ़ी, लोगों की डर से बोली बंद होती है, इसकी बोलती इस खुशी में बंद हो गई कि तेरे पीछे भूत पड़ा है। अरे मेरे पीछे भूत पड़ा था उसमें मारे खुशी की तेरी बोलती बंद हो गई? हाँ, अगर शेर पड़ा होता तो खुशी के मारे दिल का दौरा पड़ा होता। भूत ने आपका पीछा छोड़ दिया, कल सुबह जल्दी उठ जाना। क्यों? मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे पति के तन से भूत निकल गया तो वो उल्टे पैर महादेव मंदिर जाएंगे। अरे इससे तो अच्छा होता दुनिया भर के भूत मुझे पकड़ लेते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ए चुप, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। क्यों, बैठ के खाना नहीं खा सकते? ए चुप। कोलगेट, पड़ोसन की पसंद।